सो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों छठ आप लोगों की समाप्त हो चुकी है और 6 to 8, 9 to 10th और 11th 12th का जो आप लोगों का फॉर्म भरा जा रहा था, उसमें सर्वर प्रॉब्लम की वजह से बहुत से स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन तो हो गया है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाए हैं। तो क्या कुछ अपडेट लेकर के आ रही है और सीटेट अपियरिंग को लेकर के क्या अपडेट है, आज की वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। और कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, फॉर्म फिलअप कितने हो गए हैं, पेमेंट कितने हो गए हैं, पूरी जो जानकारी है आज की वीडियो में आप लोगों को देवाना वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर मैं 11th से 12th की अगर बात करूँ, 11th से आपका 12th की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 5.5 लाख फॉर्म जो हैं फिल हो गए हैं और पेमेंट भी आप लोगों का हो चुका है। और दूसरी अगर हम बात करें आपकी, तो जो जो जानकारी आई है कि जिनका पेमेंट अगर 17 तक नहीं हो पाया था उनको आगे भी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी और उनका पेमेंट जो है आप लोगों का अगर नहीं हुआ है तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही ख़राब और दुखद सूचना है। और अगर हम बात करें आपका प्राइमरी वालों की, तो अभी वो जो है उनको भी उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पीआरटी वालों का भी जो है आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट जो है 25 तक ही कर पाएंगे, इसके आगे आप लोगों की कोई भी डेट जो है बढ़ने वाली नहीं है। और एग्ज़ाम को लेकर के, तो एग्ज़ाम उन्होंने कहा है कि हम हर हाल में आप लोगों का 7 से 10 के बीच में ही आप लोगों का एग्ज़ाम करवाएंगे। और ये आगे अगर जो लोग सोच रहे हैं आगे बढ़ेगी तो वो डेट आप लोगों की बढ़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं लेकिन सर्वर प्रॉब्लम की वजह से वो लोग अपना जो है पेमेंट नहीं कर पाए थे तो उनको मौका नहीं मिला। ये बहुत ही ख़राब जो है बीपीएससी की तरफ से निर्णय निकल के आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जो है इतना मौका दिया गया था, इतने टाइम से हर कुछ का स्वतंत्र था आदमी। अब कई लोग बोलेंगे कि लास्ट डेट में ही क्यों आप लोग कर रहे थे, तो ये कमी कहीं है ना। 17 तारीख अगर आपने डेट दिया है तो उस समय तक आपका सर्वर सही से चलना चाहिए। पेमेंट नहीं हो पाया, बहुत लोग कैंसिल पेमेंट करके किए हैं, तो ये है। और जहाँ तक सीटेट अपियरिंग को लेकर के जो न्यूज आई है, तो अभी तक तो उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नहीं, चाहे बीएड वाले हों चाहे सीटेट अपियरिंग वाले हों, इन दोनों लोगों को हम मौका नहीं देने वाले हैं। लेकिन अभी भी मतलब कि छात्र जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अब कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आता है उसको देख करके ही आगे जो भी डिसीजन होगा वो हो पाएगा। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है तो निराशा ही हाथ लगी है, चाहे सीटेट अपियरिंग को लेकर के हो या फिर आप लोगों का पेमेंट प्रोसेस को लेकर के हो। तो यही कुछ अपडेट है, जो भी जानकारी होगी आगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। लेकिन आप लोगों के पास बहुत कम समय है, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि 5.5 लाख जो है आप लोगों के 12th वगैरह में फॉर्म भरे गए हैं जिनका पेमेंट पूरा हो गया है। तो दोस्तों, ये कंपटीशन बहुत कठिन होने वाला है, बहुत तगड़ा होने वाला है। प्राइमरी में कितना आता है, 6 to 8 में क्या आता है, पूरी जो जानकारी है जल्द ही हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।